दर्शकों नमस्कार, ये है एमएलएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएलएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फैंस की तमन्ना हुई पूरी, अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी ने बने दुल्हन दूल्हा वेडिंग वीडियो देख खुशी से झूमे लोग। उड़ियारिया से बिग बॉस 16 तक प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने अपनी केमिस्ट्री से लाखों दिल जीता है। भले ही उन्होंने अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन उनके बीच का प्यार किसी से छिपा नहीं है। उनके साथ में एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है जो उन्हें जिंदगी भर साथ देखने के लिए बेताब है। प्यार से प्रियंकित कहे जाने वाले अंकित और प्रियंका को उनके चाहने वाले शादी के बंधन में बंधा देखना चाहते हैं और आखिरकार उनका यह सपना भी पूरा हो गया। अगर आपको लग रहा है कि अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी असल में शादी के बंधन में बंधे हैं तो ऐसा नहीं है। उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में एक कपल का किरदार निभाया है और इसी में उन्होंने शादी रचाई। असल जिंदगी में न सही, लेकिन रियल लाइफ में आखिरकार लोगों की उनकी फेवरेट जोड़ी को शादी करता देखना तमन्ना पूरी हो ही गई। उनका म्यूजिक वीडियो कुछ इतने हसीन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग उन्हें इस तरह साथ में देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। कुछ लोग तो उन्हें असल में शादी करने के लिए भी कह रहे हैं। अंकित और प्रियंका के बीच कैसा है रिश्ता? जब अंकित और प्रियंका ने साथ में उड़ारिया किया था, उस वक्त खबरें थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसी वजह से अंकित और प्रियंका ने बतौर कपल बिग बॉस 16 में एंट्री की थी। बिग बॉस हाउस में प्रियंका और अंकित ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। उनकी गहरी बॉन्डिंग उनके प्यार की ओर इशारा करती रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बताया। खैर, दोनों चाहे जितना एक दूसरे को अच्छा फ्रेंड बताए, फैंस उन्हें बतौर कपल एक साथ देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा पर सबके सामने माया लगाई की गंभीर आरोप, अनुज भी चुपचाप देखेगा तमाशा। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टार टीवी शो अनुपमा में इन दिनों काफी उथल पुथल मची है। कहानी में जहां बीते साल से शाह हाउस की उलझाने सुलझते हुए अनुज और अनुपमा की जिंदगी में भूचाल आ जाते रहते हैं, वही अब मेकर्स ने इन कहानी में एक नया बवाल ले लिया है। शो में हमने बीते दिनों में देखा कि माया अनुज और अनुपमा की बेटी छोटी अनु को भला फुसला कर ले जाती है। वही अब आज के एपिसोड में एक बार फिर से छोटी अनु कपाड़िया हाउस में आने वाली है। इसी दौरान माया एक बार फिर अनुज और अनुपमा के बीच जहर घोलने की कोशिश करेगी। तो आइए जानते हैं अनुपमा में आज यानी क्या होने वाला है। आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे कि अनुज और अनुपमा खुश भी है और दुखी भी है। दोनों माया और छोटी अनु के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि माया छोटी अनु को कपाड़िया हाउस में छोड़ेगी या हमेशा के लिए लेकर जाएगी। ऐसे में अनुज बार बार बेबस और लाचार सा नजर आता है। इतना ही नहीं, अनुपमा कहती है कि अनु का मैसेज आया है कि वह सबसे मिलना चाहती है, तो अनुज सबको बुलाने के लिए कहेगा। वही अनुज रसोई में छोटी अनु के लिए केक बनाएगा। अनुपमा कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अनुज का कहना है कि यह होना ही है। वह अंकुश से कहता है कि अनुपमा कोशिश करी है, लेकिन उसे माया पर जरा भी भरोसा नहीं है। वह चाहता है कि अगर कोई भी और विकल्प होता तो अंकुश कहता है कि अगर कोई विकल्प होता तो वे उसे आजमाते। अंकुश बताता है कि उसने वकीलों के साथ चर्चा की है और सभी का कहना है कि बच्चा अपनी बायोलॉजिकल माँ के पास लौट जाएगा। अनुज यह सुनकर टूट सा जाता है। अंकुश उसे दिलासा देता है। कुछ समय बाद कपाड़िया और शाह बेसब्री से छोटी अनु का इंतजार करते हैं। काव्य पूछते हैं कि क्या उन्हें यकीन है कि माया छोटी अनु को ले आएगी। डिंपल कहती है कि माया खुद मान गई। समर डिंपल से पूछता है कि क्या अनुज और अनुपमा की लड़ाई सुलझे है या नहीं। डिंपल कहते हैं कि वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक उनसे बात नहीं की है। लीला कॉल करने के लिए कहती है। अनुज ने माया को फोन किया और पाया कि उसका नंबर बंद है। लीला पूछते हैं कि क्या होगा अगर माया ने उन्हें बेवकूफ बनाया तो, और छोटी अनु को ले गई। वह घबरा जाता है और कहता है कि वह एयरपोर्ट जाएगा। वनराज कहता है कि शायद एयरपोर्ट पर नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ इंतजार करना चाहिए। इतने में छोटी अनु पापा और मम्मी बुलाती हुई अंदर आती है। अनुज और अनुपमा ने उसे देखते ही गले लगा लेते हैं और दुलार करते हैं। वे छोटी अनु को बताते हैं कि उसने उसे बहुत याद किया। छोटी अनु कहते हैं कि वह भी उन्हें ज्यादा याद करती है। अनुपमा पर माया लगाई गया आरोप। इसी बीच अनुपमा
अनुपमा माया के सामने हाथ जोड़कर छोटी अनु को वापस करने की बात कहेगी। बात सुनकर माया अनुपमा पर अपने बच्चों को ज्यादा और छोटी अनु पर कम प्यार करने का आरोप लगाएगी। वह पूछेगी कि बीते 15 दिनों में अनुपमा ने उसके साथ कितना समय बिताया। वह या तो शाह हाउस की परेशानियों में उलझी है या तोशु की बीमारी में। वह न तो स्कूल के फंक्शन में गई न ही पिकनिक पर। यह बात सुनकर अनुपमा हैरान रह जाएगी। वही सभी अनुपमा की तरफ देखते रह जाएंगे। भंडार कौड़ा टोल बूथ पर तेज रफ्तार वाहन ने कर्मचारी को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल को यवतमाल रेफर किया गया। भंडार कौड़ा टोल बूथ पर तेज रफ्तार वाहन ने एक कर्मचारी को टक्कर मार दी। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें भंडार कौड़ा के एक अस्पताल में ले जाया गया। हालात गंभीर होने पर उन्हें आगे के इलाज के लिए यवतमाल रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी की पहचान विक्की व्यास के रूप में हुई है। इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। महिंद्रा बुलेरो मालवाहक तेजी से गाड़ी चला रहा था और टोल प्लाजा में जा घुसा। वही ट्रक के सामने आने एक मालवाहक गाड़ी के दुर्घटना स्थल हो जाने से टोल प्लाजा के अंदर एक से दो कर्मचारी फंस गए। पास खड़े कर्मचारियों को देख वह जान की परवाह किए बिना दौड़ता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। यह रोमांचक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाईकूक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsstudio.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।